नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन डिबेट शो देश को जवाब दो। साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। चुनाव के पहले अखिलेश और जयंत अनाज की पोटली लेकर शपथ ले रहे थे, दल बदलू नेताओं के भरोसे जीत का दम भर रहे थे, लेकिन बाबा का बुलडोजर ऐसा चला कि साइकिल टूट गई, गठबंधन का दम निकल गया। करारी हार के बाद समाजवादी गठबंधन में तोड़फोड़ एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रहे मसूद अहमद ने अखिलेश यादव पर धोखा देने, सहयोगियों को अपमानित करने का आरोप लगाया है। जयंत चौधरी पर भी उन्होंने हमला बोला है। और वहीं दूसरी तरफ ओपी राज पर 3 महीने में तीसरी बार पलटी मारने की तैयारी में जुट गए हैं महान दल के केशव देव मौर्य। याद होगा आपको किस तरह से उन्होंने पहले ही अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। शिवपाल यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य भी अखिलेश से खुश नहीं है। सवाल ऐसे में यह है कि क्या समाजवादी गठबंधन 6 हफ्ते भी नहीं चल पाएगा? क्या अखिलेश के चाचाओं ने ही उनका बंटा धार कर दिया? देश को जवाब दो में इसी मुद्दे पर अहम सवाल उठा रही हूं मैं। पहला सवाल, क्या 3 महीने में तीसरी बार पलट जाएंगे राजभर? क्या 4 चाचाओं ने किया अखिलेश यादव का बंटाधार? क्या गठबंधन तोड़ने की तैयारी में जयंत चौधरी हैं? और क्या अखिलेश जयंत ने मुसलमानों के साथ छल किया? यही वो सवाल है जिनका आज मैं जवाब लूंगी। पैनल होगा मेरे साथ, परिचय भी आपका करवाऊंगी। ये रिपोर्ट देखिए सबसे पहले। पियर का चचा पलटे ललका चचा ला, 4 चचा के चक्कर में गठबंधन का बंटा था। पंचर साइकिल छोड़े चौधरी होंगे पैदल, बाबा के बुलडोजर ने बबुआ की साइकिल को ऐसे टक्कर मारी कि पुर्जे पुर्जे हिल गए। न पहिए चल रहे न कैरियर, पैदल भी टूटने की कगार पर है। हालत यह है कि टूटी साइकिल पर कोई सफर करना नहीं चाहता। शिवपाल हो या राजभर, सभी लाल पीले हैं और गठबंधन से अलग रास्ता तलाश रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल से साइकिल का बंधन तो टूट के कगार पर पहुंच गया है। नहीं, ये जो खबर चल रही है गलत खबर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो विधानसभा चुनाव के पहले भी सुना कि जल्दी जाने वाले हैं। इसकी समीक्षा जब हो जाए तब बात कर ले। भले ही राजभर इनकार कर रहे हो, लेकिन अंदर खाना खबर यही है कि वो 3 महीने में तीसरी बार पलट सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी वापसी पर विचार कर रहे हैं। शिवपाल यादव तो अखिलेश के रवैये पर पहले से नाराज हैं। उन्होंने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की थी, लेकिन बबुआ ने उन्हें 1 सीट के लायक भी नहीं समझा। और देखो जब घोषणा हुई तो कितनी सीट मिली। स्वामी प्रसाद मौर्य, शिवपाल यादव, दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर के साथ अखिलेश इस कदर उत्साहित थे कि चुनाव से पहले खुद को सीएम मान बैठे थे। जयंत से गठबंधन के बाद उन्हें जीत का पूरा भरोसा था, लेकिन करारी हार के बाद सच्चाई सामने आ गई। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने पद से इस्तीफा दे दिया है और अखिलेश पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश जी ने मुस्लिम मुद्दे पर चुनाव के 1 साल पहले तक किसी मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई। मुसलमानों के इशू पर सब लोगों ने अपने वोट छीन लिए हैं और मुसलमानों ने जिंदगी में पहली बार यूनाइट होकर के 95% वोट अपना गठबंधन को दिया। और मैं तो समझता हूं कि इस गठबंधन की लाज बचाने वाला अगर कोई है तो मुस्लिम वोटर्स हैं। मसूद अहमद ने टिकट बेचने और सहयोगी दलों के नेताओं को अपमानित करने का भी आरोप लगाया है। तस्वीर साफ है, कांग्रेस और बीएसपी के बाद आरएलडी भी बबुआ को गच्चा देने को तैयार है। चुनाव के वक्त जयंत कहते घूम रहे थे कि वो चमन्नी थोड़ी है जो पलट जाएंगे। अनाज के पोटली हाथ में लेकर जयंत अखिलेश बीजेपी को जड़ से उखाड़ने की शपथ ले रहे थे, लेकिन खुद ही उखाड़ गए। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं वो चमन्नी हूं जो ऐसे करके पलट जाऊंगा?
सवाल यह है कि क्या छोटे चौधरी ने पलटने की तैयारी कर ली है? क्या कुर्सी के चक्कर में समाजवादी चोला पहनने वाले चचा साइकिल से उतर जाएंगे? क्या चचा चौधरी के चक्कर में बबुआ का पूरी तरह से बंटा थार होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो जनता ने साइकिल का साथ दिया नहीं, साइकिल पहले ही पंचर हो चुकी थी, अब खड़े होने के कगार पर वो आ चुकी है। मेहमान जुड़ चुके हैं मेरे साथ, परिचय आपका करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला जुड़े हुए हैं मेरे साथ, आरएलडी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी हैं, इसके अलावा समाजवादी पार्टी से मेरे साथ प्रवक्ता राघवेंद्र दुबे हैं, राजनीतिक विश्लेषक सौरभ मालवीय भी साथ हैं, इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आरएलडी के डॉक्टर मसूद अहमद, जिन्होंने आज गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्हें भी आप देख पा रहे हैं। डॉक्टर मसूद अहमद सर, शुरुआत आपके साथ ही कर रही हूं, आप आरोप अखिलेश पर लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, पर जब आरोप आप लगा रहे हैं सर, तो ये भी तो फिर समझ होनी चाहिए थी ना, सवाल फिर आपसे भी पूछे जाएंगे, बड़ी देर कर दी। ऐसा है कि ये सब चुनाव के बीच में कहना मुनासिब नहीं था, इसलिए कि हम लोग जानते थे कि सरकार बनने जा रही है, सरकार बननी चाहिए, और इसमें कुछ कहेंगे, ऐसी बात कहेंगे, ये तो सुझाव आपने पहले दिया था, अपने जैन चौधरी जी अपने नेता को पहले सुझाव दिया था कि ये जो कुछ हो रहा है इसका उल्टा असर पड़ेगा। और पहले आपने देखा होगा, पहले पार्टी की जो हवा थी, गठबंधन बना, जो हवा थी और जो माहौल बना, किसान आंदोलन की वजह से बना, लेकिन जो सीटों का बंटवारा जब शुरू हुआ तो पहले हुआ कि राष्ट्रीय लोकदल को 50 सीटें मिलेंगी, 50 सीट पर 40 सीट पे आ गए, 40 सीट से घट करके 24 सीट पर आ गए, फिर यह हुआ कि 33 हो गए, उसमें 9 समाजवादी पार्टी के लोग राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल से लड़ेंगे। चौधरी जयन जी जो है वो चरथावल मांग रहे थे, मीरापुर मांग रहे थे, सिवाल खास पे वो लड़ने की, सब ठीक है, आपने कहा ना, आप ये मानकर चल रहे थे कि वो बनने वाली है सरकार आपकी, आप ये मानकर चल रहे थे समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सरकार बनने वाली है, तो सर अगर बन गई होती तो आपके जितने ये आरोप थे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती, फिर सीट बेची भी लेकिन सरकार बन गई तो चलो बढ़िया, फिर आपको दरकिनार किया भी गया, मुसलमानों का इस्तेमाल किया भी गया लेकिन सरकार बन गई तो चलो बढ़िया, अब सरकार नहीं बन गई, नहीं बन पाई तो फिर मुसलमानों का इस्तेमाल किया, मुसलमानों के सवाल नहीं उठाए गए, सीट बेची गई, ये मानकर चलो अगर बन गई होती सरकार तो 100 खून माफ था। ऐसा है कि हम लोगों का जो लक्ष्य था और जो राजनीति करने का उद्देश्य है वो सरकार बनाने का था, कौन सत्ता में नहीं आना चाहता है, हम लोग सत्ता में पहुंचना चाहते थे और पूरा विश्वास था, लेकिन अब सीट के बंटवारे में जो जिस तरीके से सीट का बंटवारा हुआ उसकी वजह से जो माहौल बना हुआ था वो माहौल बिगड़ गया, जाट नाराज हो गया, मुसलमान की तो मजबूरी, मुझे वो एनालिसिस नहीं करना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार क्यों नहीं बन पाई, मुझे वो एनालिसिस नहीं करना है सर, 10 तारीख से आज तक कई बार वो हो चुका है। रोहित अग्रवाल भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले मैं राघवेंद्र दुबे जी आपके पास आ रही हूँ, समाजवादी पार्टी से मेरे साथ राघवेंद्र दुबे जी है, राघवेंद्र जी ले डूबी यही बात है आपको, आपको लगा था मुसलमान तो आएगा ही साथ, आपको लगा था पिछड़ा वर्ग आएगा ही साथ, सबकी बेइज्जती पर्दे के पीछे हो रही थी और अब समाजवादी पार्टी की खुद क्या इज्जत रह गई, वो पर्दे के सामने आ गई। मसूद अहमद जुड़े हैं मेरे साथ, सुन, अरे सुन सुन ले, हाँ सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं इनके आरोप भी सुना, बहुत सारी चीजें होती हैं, सरकार बनती सत्ता बनती है और बहुत जल्दी ये मुझे लग रहा है हिम्मत हार गए हैं प्रदेश अध्यक्ष जी, इनको अपना आकलन करना चाहिए कि क्यों नहीं हुआ, प्रदेश अध्यक्ष थे और ये अपने कैंडिडेटों को जिता क्यों नहीं पाए, क्या कमी रही और क्या कमी नहीं रही है, इसके बाद अगर कोई चीज दिक्कत बाद में हुई है उसके बाद आप पत्र लिखें वो कोई मायने नहीं रखता है, उसको बेईमानी माना जाएगा कि आप अपना काम पूरे ईमानदारी के साथ नहीं कर पाए, अगर ईमानदारी के साथ आपने काम किया होता तो निश्चित रूप से ये स्थिति नहीं सर, बेईमानी का आरोप तो आपके ऊपर लगा रहे हैं कि सीट बेची है आपने और आप उल्टा उनकी ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं सर, वो कह रहे पैसा लेकर कौन सा है, आप बताएंगे किसको किसको बेची है, किसको बेची है मसूद अहमद जी, कोई भी अनाप शराब आरोप लगाएगा और बताएगा कि सीट बेची, किसको बेच दी,
मसूद अहमद जी, ये ऐसा है कि मैंने तथ्यों को रख दिया है, मैं ही थोड़े कह रहा हूँ 100% बेची गई। अच्छा, है नहीं, मैं ये नहीं आरोप लग रहा हूँ 100% बेची गई है, लेकिन सीटों के बंटवारे में खेल हुआ है और जो पुराने कार्यकर्ता थे, जो पुराने नेता थे, उनकी उपेक्षा हुई है और नए नए उम्मीदवार जिनका पार्टी में एक दिन का भी योगदान नहीं था आए, टिकट ले लिए, चुनाव लड़ गए। नतीजा ये हुआ कि जो पुराने कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, जो 10 साल से मेहनत कर रहे थे, वो सीट मायूस सारी नहीं बेची, कम बेची, बैठ गए। सर सुनिए ना, खून तो एक करो तब भी वही सजा होती है, 10 करो बराबर है ना सर, उसमें तो कोई फर्क है नहीं। देखिए रोहित अग्रवाल जी, देखिए ऐसा एक खून माफ कर दिया जाता है क्या? गुनाह तो उतना ही बड़ा होता है ना रोहित अग्रवाल। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब के जितने आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं और निराधार हैं, और मुझे लगता है कि उनको पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये आरोप जो भी वो लगा रहे हैं, अगर उनको कोई दर्द था तो पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको रखना चाहिए था। मैंने संपर्क करने की कोशिश की थी डॉक्टर साहब से, पर डॉक्टर साहब से मेरी बात नहीं हो पाई, और मुझे नहीं लगता है कि इनकी पार्टी प्लेटफॉर्म पे कोई बात हुई है। और अगर उनको कोई भी किसी तरीके की दिक्कत थी, कोई तकलीफ थी या कुछ भी था, तो मुझे लगता है पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात करनी चाहिए थी इस तरीके से मीडिया चैनल के ऊपर। सामने कह रहे ना अखिलेश के आगे जयंत चौधरी कमजोर पड़ गए, पहले सीटों की बात 40 हुई, फिर 24 हुई, ये सारी बातें तो आपके सामने ही वो रख रहे हैं ना। देखिए डॉक्टर मसूद एक वरिष्ठ नेता हैं और वो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और चुनाव की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की होती है, तो चुनाव की जिम्मेदारी बड़े नेता हैं, पुराने आपके साथी हैं, और दूसरी तरफ आप कहेंगे उनकी बातें बेबुनियाद हैं, दोनों कैसे चल सकती है सर? इतना बड़ा नेता है, आपके साथ पुराने समय से जुड़ा हुआ है, फिर दूसरी तरफ बेबुनियाद। चालनी जी, मैं ये कह रहा हूं कि उन प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते चुनाव की जिम्मेदारी उनकी थी, तो उनको हार अपनी स्वीकार करनी चाहिए थी, और वो शायद उनका बड़प्पन होता, पर इस तरीके के आरोप लगाना, अगर इनके पीछे कुछ भी बेस है तो वो बेस उनको पार्टी के हाईकमान के सामने रखना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी उनकी थी, चुनाव की जिम्मेदारी तो उनकी थी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, तो अगर पार्टी चुनाव हारी है तो ये तो उनकी हार हुई है, तो उसके बाद फिर पार्टी हाईकमान के ऊपर इस तरीके के आरोप, मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी। लेकिन राघवेंद्र दुबे, मैं एक और शॉर्ट कमेंट आपसे चाहूंगी सर। डॉक्टर मसूद अहमद अगर ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के मुद्दे पर चुप्पी साध रखी थी अखिलेश ने, गलत कहा कह रहे हैं, हिजाब मामले के ऊपर कुछ बोला था आप लोगों की तरफ से, कोई बयान आया था अखिलेश यादव ने, वाकई चुप्पी साध रखी थी उस मसले के ऊपर? देखिए ये कोई ये देखिए सर, मैं एक मिनट और कंप्लीट कर दूं, डॉक्टर मसूद अहमद ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों ने इज्जत बचाई है इस गठबंधन की, सबसे ज्यादा ईमानदारी से अगर वोट किसी ने दिया है तो वो मुस्लिमों ने दिया है और उन्हीं को आपने छला है, ये बात ओवैसी पहले से कहते आ रहे हैं, आज मसूद जी वही बात कह रहे हैं। राघवेंद्र जी देखिए, इनके जो आरोप हैं वो निश्चित रूप से बेबुनियाद है। मैं ये कहूंगा अगर सारे लोगों ने वोट नहीं दिए होते, आपने कहा कि ओबीसी ने वोट नहीं दिया, उसने दिया, तो तीन गुनी सीट हमारी नहीं बढ़ती, और लगभग 12% जो वोट हमारा बढ़ा है, मत प्रतिशत बढ़ा है जो लोगों ने दिया है, वो किस कारण से बढ़ा है कि सभी लोगों ने वोट दिया है इसीलिए बढ़ा है। और बहुत जगह तो आपने देखा होगा किस तरीके से बेईमानी भी हुई है, और बैलेट पेपर में आपने देखा 304 सीटों पर सपा ने बढ़त ली, 51.5% उनके आरोपों के ऊपर आरएलडी का पलटवार भी अब सामने आ गया है, हार की जिम्मेदारी लेने से बचने का यह बहाना है। आरएलडी कह रही है बतौर प्रदेश अध्यक्ष हार की जिम्मेदारी मसूद अहमद की है, अपनी नाकामी छिपाने के लिए आरोप वो लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगाते हुए। मसूद अहमद ने पार्टी छोड़ी है, आपको पता है वो बैठे हैं अभी जी हिंदुस्तान पर, इसके पहले भी जी हिंदुस्तान से बात कर चुके हैं, लेकिन अब आरएलडी ये कह रही है कि अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे और इसीलिए आरोप लगा रहे हैं मसूद अहमद जी, यही वजह है। डॉक्टर मसूद अहमद यही वजह है, आरएलडी पलटकर अब आपके ऊपर सवाल उठा रही है सर, कह रही है हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, आप बचना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। नहीं सर,
सुनिए 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 जो मैं बात आगे कह रहा हूँ। हमने जो कमजोरियां थी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को समय समय पर बताने की बात की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी हम लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से, हम लोगों से मशवरा ही नहीं किया। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तो उतना सम्मान था ही कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने प्रदेश अध्यक्ष चुप रहे। हमारा काम था सहयोग करना, हमारा काम था उनको मशवरा देना, उनको बताना। ठीक बात। लेकिन सवाल यह है कि पहले रोहित अग्रवाल जी ये पहले बोल देते तो आप कहते राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात नहीं सुन रहे, जाने नहीं दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा ज्ञान हो गया क्या? निर्णय वो लेंगे, अब इज्जत करो राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो भी खामियाजा भुगतो और बोल दो तब भी खामियाजा भुगतो, चित भी मेरी पट भी मेरी। रोहित जी नहीं, देखिए जिस तरीके के इल्जाम डॉक्टर साहब लगा रहे हैं वो कहीं से भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, और उनके पीछे बेस क्या है ये तो डॉक्टर साहब भी बता सकते हैं। और डॉक्टर साहब का कहना है कि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निरंतर हमने अवगत कराया, तो अगर आपने अवगत कराया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसके ऊपर कार्रवाई की होगी कहीं ना कहीं। और जो देखिए प्रदेश जो गठबंधन हुआ है इसको प्रदेश कार्यकारिणी की भी स्वीकृति मिली थी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी स्वीकृति मिली थी और प्रॉपर लोकतांत्रिक तरीके से गठबंधन ही टूटने के कगार पर है। ओपी राजभर भी अब खबर तो हमारे सूत्र वो अलग की मना कर रहे हैं सर, पर हमारे सूत्र यही कह रहे हैं कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मनीष शुक्ला मेरे साथ जुड़े हैं बीजेपी से, उनका मैं रिएक्शन देखिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी कह चुके हैं, ठीक है रोज आऊंगी आपके पास। मनीष शुक्ला जी सर क्या चल रहा है? चुनावों के पहले अखिलेश यादव ने जितने लोग तोड़े बीजेपी के, अब चुनावों के बाद उतने आप तोड़ने वाले हैं क्या समाजवादी पार्टी से? खेला यही है। दो बातें, एक तो जो पहला इशू आपने लिया आरएलडी का, आरएलडी हो समाजवादी पार्टी हो ऐसे जो तमाम परिवारवादी दल हैं वहां टिकट का जो टिकट की जो योग्यता है वो यही सब है, कहीं अपराधी होना योग्यता है, कहीं पैसा होना योग्यता है, इसमें नई कोई बात नहीं है। मसूद साहब आपके चैनल पे है, मेरा उनसे पूछना है कि आप बिल्ली से दूध की रखवाली की अपेक्षा क्यों कर रहे? अगर आप अपेक्षा कर रहे तो आप गफलत में थे। दूसरा बड़ी हास्यास्पद बात है कि आरएलडी, अभी आपने दिखाई कि आरएलडी कह रही है कि ये प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है, मतलब ये जो आरएलडी है ये पूरे प्रदेश भर में भी का संगठन है क्या है नहीं पता है, और ये इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है जयंत चौधरी, उनकी जिम्मेदारी क्या होती है? हमको लगता है कि ये जितने भी इस तरह से क्षेत्रीय दल है वहां जिस तरीके का आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है उसके नाते से इस तरह की विनम्रता सामने आएगी। चुनाव के पहले गठबंधन जनता के लिए लिया सर, ओपी राजभर का आप स्वागत करेंगे, अवसरवादी गठबंधन था सर। ओपी राजभर का बीजेपी क्या स्वागत करेगी? पहले भी आपके सहयोगी रह चुके हैं, एनडीए में शामिल रह चुके हैं, अच्छा इस बार तो परफॉर्मेंस उनकी बड़ी अच्छी है सर, 7 सीट वो लेकर आए हैं, स्वागत करेगी बीजेपी? शालिनी जी ओपी राजभर कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, हमको लगता है इसकी टिप्पणी ओम प्रकाश राजभर जी या उनके किसी पार्टी के प्रवक्ता को आपको बैठाना चाहिए, वो देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड राष्ट्रीय लोकदल में मनीष शुक्ला जी बोलेंगे और ओपी राजभर जी पे बोलेंगे उनके प्रवक्ता, ये बहुत अच्छा दोहरा चरित्र है। हमने जो शुक्ला जी राष्ट्रीय लोकदल पे आप बोलेंगे क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल में अगर 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 कोई बात हो रही है कुछ दो बर्तन खनक रहे हैं तो आपको चिंता है, पर ओपी राजभर जी पे आप नहीं बोलेंगे। बीच में कूद कर बोलने से पार्टी बनी होगी ना, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी डिवाइडेड। मैं अभी तक सौरभ मालवीय के पास नहीं जा पाई हूँ, उनका भी मैं रिएक्शन ले लूँ फिर मुझे ब्रेक पर जाना होगा। सौरभ मालवीय जी सवाल मेरा ये कि बीजेपी तो अच्छे मैंडेट से जीत कर आई है, ये ओपी राजभर की, स्वामी प्रसाद मौर्य की, दारा सिंह चौहान की, इन लोगों की जरूरत बीजेपी को क्या है? लगता है ऐसा इनकी नहीं है तो डूब रही है राजनीतिक अस्तित्व खतरे में, ये संभव है बीजेपी में जाना चाहे, पर बीजेपी को जरूरत है क्या इन लोगों की? शालिनी जी देखिए भारत की राजनीति में और खास करके भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और 2024 निकट है, तो भारतीय जनता पार्टी मुझे जो लगता है राजनीतिक दृष्टि से विचार करने पर मुझे जो लगता है दिखता है कि 2024 से पहले
मुख्य विपक्षी दल के गठबंधन को तोड़ना बीजेपी की रणनीति होगी। इसलिए ओम प्रकाश राजभर का कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी जरूर है उत्तर प्रदेश में, इसलिए उनको ले सकते हैं। यानी जब मौर्या को लेंगे, जब राजभर को लेंगे, तो समाजवादी गठबंधन जो है कमजोर होगा। आरएलडी पहले ही संकेत मिल चुका है, तो राजनीति में कुछ भी संभव है, सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल, तो आप अगली निगाह 2024 पर है। सौरभ जी, ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना है, और अखिलेश यादव गुलदस्ता बनाने की बात कर रहे थे, ब्रेक के लिए मैं रुक रही हूँ। ये गुलदस्ते का कोई फूल मुरझा रहा है, कोई फूल छिटक जा रहा है, कोई निकल कर दूसरे गुलदस्ते में जाने की कोशिश कर रहा है, या फिर समाजवादी पार्टी में क्या चल रहा है? छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए देश को जवाब दो। दस मार्च को उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे आए थे, तब से अब तक अखिलेश यादव के ऊपर कई गंभीर आरोप उनके अपने ही लगा चुके हैं। मेहमान तमाम मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ताजा जो आरोप लगाया वो डॉक्टर मसूद अहमद ने लगाया, जो कि इस वक्त मेरे साथ देश को जवाब दो में जुड़े हुए भी हैं। मनीष शुक्ला जी, आपके पास फिलहाल मैं आ रही हूं। सर, जो ब्रेक के पहले मैंने सवाल सौरभ मालवीय से पूछा था, आपसे भी वही सवाल है। सर, ओपी राजभर की, स्वामी प्रसाद मौर्य की, दारा सिंह की, इनकी जरूरत है बीजेपी को वाकई? देखिए शामी जी, सवाल है जरूरत है कि नहीं है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आज उत्तर प्रदेश में हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बन चुकी है। हमारी प्राथमिकता में है कि जो विकास के काम 17 से 22 के बीच में हुए उनको आगे बढ़ाना है, जिन एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य शुरू हुआ उसको पूरा करना है, तमाम जो किसानों के मुद्दे हैं, तमाम जो किसानों के हित के फैसले हैं उनको लेने हैं, तो सरकार बनने के पश्चात हमारी प्राथमिकता वो है। देखिये, ओम प्रकाश राजभर जी को आवश्यकता है बीजेपी की कि नहीं, या उनका क्या स्टैंड है, इसके लिए बयान या उनके किसी प्रवक्ता को या ओम प्रकाश राजभर जी को चैनल पर लेकर उनसे बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया, समाज के सभी लोगों को चुनाव के दौरान मौका दिया, और एक प्रचंड बहुमत की सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में बनी है। नहीं, लेकिन ओपी राजभर आना चाहेंगे, वो इच्छुक होंगे, जैसा आप कह रहे हैं ना सर, कि ओपी राजभर से या उनकी पार्टी के किसी प्रवक्ता से हम पूछें, अगर वो आने के इच्छुक होंगे तब तो बीजेपी स्वागत करेगी। देखिए, गुण दोष के आधार पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पर निर्णय लेता है, प्रवक्ता की मर्यादा के विरुद्ध है इस पे। ठीक है, राघवेंद्र दुबे जी, चुनाव के पहले जितने लोग आपके पास आए थे, पछता रहे हैं क्या, गलती कर दी? एक बार बताइए, कौन गया है, कौन जा रहा है? ये तो मीडिया का बनाया हुआ मुद्दा है, झूठ तंत्र पूरा चल रहा है, हावी है। आपने देखा होगा, अभी मुख्यमंत्री से कुछ पत्रकार मिले थे, किस तरीके से बिल्कुल झुके हुए थे। मीडिया तो मोर बन के नाच रहा है इनके दरबार में। और दूसरा, आप देख रहे हो कि जिस तरीके से पत्रकार झुक के उनसे मिल रहे थे, मैं तो यही कहूंगा, मैं केवल यही कहूंगा कि मौका पहली कतार का बड़े मुश्किल से मिला, जब रीढ़ की हड्डी निकलवाई तब मौका लगा। तो इस तरीके से लोग हैं, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। राजभर जी ने बयान दे दिया, सर, अगर आपने अपने गिरेबान में झांककर देखा होता और मीडिया पर बार बार कटाक्ष नहीं किया होता अखिलेश यादव ने ना, तो शायद आज ये दिन भी नहीं देखना पड़ता। सर, मैंने बीच में टोका नहीं आपको, अपने गिरेबान में मुझे लगा पूरा बड़ा सा आप निकाल ले तो ज्यादा बेहतर होगा, और आपने ये शब्द बोला इसलिए मुझे टोकना भी पड़ रहा है सर, वरना मैं कहती नहीं। सर, मैं कहती नहीं क्या आप लोगों ने कितनी डिबेट चलाई युवाओं के रोजगार के लिए, कितनी चलाई? सर, आपने तो मुद्दा उठाया था ना, जो किसानों की, सर, मेरे काम से आपको क्या मतलब है? सर, मेरे काम से आपको क्या मतलब है? सर, अब जब आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल, आप मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। सर, आपने मुद्दा उठाया था ना, सर, आपने मुद्दा उठाया था ना, अपने काम से मतलब रखिए। फिर जनता, जनता ने साथ क्यों नहीं दिया? सर, फिर जनता ने साथ क्यों नहीं दिया? सर, नहीं, आप मीडिया का काम छोड़ दें। आप कह रहे हैं ना मीडिया काम नहीं कर रही, आप कर रहे हैं ना सर, आप कर रहे हैं ना राघवेंद्र दुबे, अखिलेश यादव ने उठाया ना मुद्दा, आपके हिसाब से अखिलेश यादव ने सही राजनीति की, अपनों का सम्मान किया, सबको मंच पर स्थान दिया, जनता के मुद्दे उठाए, फिर भी आप कहाँ बैठे हैं सर? मीडिया का क्या, आप कहाँ बैठे हैं सर?
होता है, मीडिया का रोल क्या है? ये वजह यही है, आप सुनिए राघवेंद्र दुबे सर, वजह यही है, चुनावों के पहले भी अखिलेश यादव मीडिया का काम ढूंढ रहे थे सर, अपना काम नहीं ढूंढ रहे थे, चुनावों के पहले भी अखिलेश यादव ने मीडिया पर कटाक्ष किया, उनके अपने उनके ऊपर जो कटाक्ष कर रहे थे वो नहीं देखा। अब सर जो आपके नेता ने आपको रास्ता दिखाया है उस पर चलना आपकी मजबूरी है सर, मैं आपका दर्द समझती हूँ, आपकी मजबूरी समझती हूँ सर, अखिलेश यादव के वचन को ही तो आप बोल पाएंगे ना, आपको लग रहा है सर आप बोलते रहेंगे, मैं सुनती रहूंगी, वो संभव नहीं है राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी जवाब नहीं दे पा रहे आप, नहीं, 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 आप तो मीडिया पर कटाक्ष करके नहीं जीत पाएंगे आप मुझसे, आपने स्क्रिप्ट सर नहीं जीत पाएंगे सर, जो स्क्रिप्ट मिली है बिल्कुल जीत पाएंगे उसको ही आप पढ़ पाएंगे, वो तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप फेल हो रहे हैं इस स्क्रिप्ट से। अखिलेश जी के लिए आपकी डिबेट में बबुआ शब्द बोला गया, आप लोग किस तरीके से बुआ बबुआ ये कहाँ से आया था आपको नहीं पता, आप लोग सर बुआ बबुआ कहाँ से आया था आपको नहीं पता, भाषा है आपकी सर, आपको गुंडों की भाषा क्या सर, आपको नहीं पता बुआ बबुआ कहाँ से आया था, मेरी भाषा नहीं है सर, राघवेंद्र जी मेरी भाषा नहीं है सर, ओपी राजभर आपको छोड़कर जा रहे हैं, मेरे साथ डॉक्टर मसूद अहमद जुड़े हैं, वो आरोप अखिलेश यादव के ऊपर लगा रहे हैं, योगी जी पर आपके महान दल वाले आरोप लगाकर चले गए अखिलेश यादव पर, महान दल को मैंने सिखाया था, डॉक्टर मसूद को मैंने सिखाया है, मीडिया ने सिखाया है सर, इसीलिए विपक्ष में आप बैठे रह गए सर, आप मेरा वक्त खराब कर रहे हैं सर, सम्मान के साथ कह रही हूँ राघवेंद्र दुबे, मेरा वक्त आप खराब कर रहे हैं सर, डिबेट का एक समय होता है, मंच पर नहीं है ना आप, कि जितना चाहे भाषण दीजिए जनता तो खड़ी है सुनती रहेगी, आप वक्त मेरा बर्बाद कर रहे हैं, आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं, डॉक्टर मसूद अहमद सर अब ठीक है सर हो गया, मैं समझ रही हूँ अखिलेश यादव की भाषा, अब बोलते रहना अगले 5 साल तक आप लोगों की मजबूरी है, डॉक्टर मसूद अहमद सर किस मीडिया वाले ने आपको सिखाया था अखिलेश यादव पर ये आरोप लगाने के लिए, किसी मीडिया ने लिख के दिया है स्क्रिप्ट आपको, जी हिंदुस्तान ने सिखाया था सर, क्या ऐसा मुझे लगता है आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए डॉक्टर मसूद, नहीं नहीं कोई देखिए कोई किसी को सिखाता नहीं है ना, और खास करके नेताओं को, मैं मुद्दे पे आता हूँ, देखिए हम लोग जीत के प्रति आश्वस्त थे, हमें मान के चल रहे थे हमारी सरकार बनेगी, लेकिन हमारी कुछ कमियों की वजह से सरकार नहीं बनी है, तो मैंने कुछ प्रश्न उठाए हैं, समझ नहीं है, हाँ। अगर उन प्रश्नों का जवाब नहीं तो कम से कम ये जो पार्टियां हैं उससे सबक लें, उन कमियों को दूर करके आगे बढ़े, हाँ। संघर्ष करें, और आने वाले दिनों में सरकार बनाए, तो 5 साल के लिए विपक्ष में गए ही, समझ नहीं आप, तो ये तो मैं इतना कह सकता हूँ इसका बहुत अफसोस है, हमारी सरकार नहीं बननी, जबकि लहर थी हमारे पक्ष में, सरकार बननी थी और बननी चाहिए थे, लेकिन हमारी कुछ कमियों को जैसे नहीं बन पाई, हाँ, उसका हमें दुख है, पर आपको किसी ने सिखाया नहीं था। सकता हूँ सौरभ मालवीय जी सर आपके पास आ रही हूँ, वक्त आपको कम भी दे पाई हूँ मैं, सौरभ मालवीय जी बुआ बबुआ शब्द कहाँ से निकला था, ये दो लड़कों की जोड़ी जो इस बार निकला है शब्द, ये कहाँ का उपजाय हुआ, अब बबुआ के ऊपर बुरा लग रहा है सर को, राघवेंद्र जी को बबुआ पे बुरा लग रहा है, मैंने थोड़ी नामकरण किया है, नहीं शालिनी कपूर तिवारी ने नामकरण किया है क्या, सौरभ मालवीय जी बीजेपी की धुन पे नाच रहे हो, तो क्या शालिनी जी आपने बहुत ही वाजिब सवाल किया, राघवेंद्र जी सुनिए जरा, राघवेंद्र जी 2 मिनट सुनिए, तोड़ देना चाहिए था बुआ बबुआ की जोड़ी को उसी वक्त, नहीं होता नामकरण, मैंने थोड़ी क्या सर मेरे ऊपर खींच मत निकाली है, सौरभ मालवीय शालिनी जी यहाँ ध्यान इस बात पे देने की जरूरत है, राघवेंद्र जी सुनिए, अरे सर आप विपक्ष में बैठे हैं अगले 5 साल वहीं पर रहेंगे, मुस्कुराते हुए रहिए ना, यही अखिलेश यादव ने किया तभी यह हाल है, आपसे सवाल नहीं पूछा है, सवाल मेरा आपसे नहीं है सर, शालिनी जी ध्यान देने वाली बात यह है कि 2014 2017 2022 इन विधानसभा लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव बैसाखी के बल पर पूरे चुनाव को लड़े, अब बैसाखी के बल पे लड़ने वाले लड़खड़ाते हुए और 2022 के चुनाव में चाचा और भतीजे का चुनाव के अंतिम दिन तक कंफ्यूजन बना रहा, रिश्ता क्या होगा, साथ आएंगे कि जाएंगे, ये वही समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश की जो समाजवाद के यानी जेपी मूवमेंट से निकला हुआ ऐसा समाजवाद है, जिस मुलायम सिंह का इस प्रदेश में एक छत्र राज रहा है, उस विरासत को अखिलेश यादव संभालने में लड़खड़ा गए हैं
और अभी परिणाम 10 मार्च को जो आया उसमें टूटा फूटा उनको दिख रहा है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब दो लड़कों की जोड़ी और फिर बुआ के साथ यानी राहुल गांधी के साथ गठबंधन होता है, फिर मायावती के साथ गठबंधन होता है। हाँ। और दो एक मिनट और 2022 में महत्वपूर्ण बात है, 2022 में आरएलडी से गठबंधन करके यानी महागठबंधन के बाद जब मैदान में आते हैं तो इससे पता चलता है कि पूरी तरह से अखिलेश की राजनीतिक अपरिपक्वता बाहर आ गई। परिणाम क्या है अभी दिख रहा है। हाँ। ऐसे में दूसरी महत्वपूर्ण बात, बुरा लग जाएगा। सौरभ मालवीय जी, टिप्पणी में ये भी आपसे चाहूंगी, इसके ऊपर भी चाहूंगी कि लोग तो ये भी कह रहे हैं ना, कांग्रेस के साथ गए कांग्रेस को ले डूबे, मायावती के साथ गए बसपा को ले डूबे, आरएलडी के साथ गए उसका बंटा दार कर दिया, कुंडली में ही दोष है। शालिनी जी, मैं उसी बात को बता रहा हूँ, सौरभ मालवीय से पढ़ा कि 2014 से लेके इनकी यात्रा 2022 तक अखिलेश की राजनीतिक अपरिपक्वता की पहचान बन गई है। ऐसे में अखिलेश यादव को समाजवाद की उस परिभाषा को, नए परिभाषा को गढ़ने का जो प्रयास किया, वो समाजवाद आज आम जन के समझ से बाहर होगी। नहीं तो उत्तर प्रदेश समाजवादियों की भूमि है, उत्तर प्रदेश लोहिया की भूमि है, उत्तर प्रदेश गांधी के उस समाजवाद को मानने वाली भूमि है। लेकिन अखिलेश यादव सायद नाम के आगे समाजवाद है, पर काम में और विचार में समाजवाद अखिलेश के नहीं दिखता, क्योंकि जातिवाद, वंशवाद और संप्रदायवाद। अग्रवाल जी, आपके पास आ रही हूं सर। महान दल के नेता की तरफ से जो बातें कही गई थी, केशव देव मौर्य ने जो बातें कही थी वो सुना था आपने? विकास कार्य किया, आरएलडी के डॉक्टर मसूद अहमद तो आज आरोप लगा रहे हैं, महान दल तो पहले लगा चुका है ना। देखिए शालिनी जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, किसी भी चुनाव में हार या जीत से ना कोई पार्टी खत्म होती है ना उसकी विचारधारा खत्म होती है, पर युद्ध हारने के बाद अगर सेनापति अनाग्रल आरोप लगाना शुरू कर दे तो उससे आहत जरूर होते हैं। तो मुझे लगता है डॉक्टर मसूद अहमद हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, और डॉक्टर मसूद अहमद अगर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, चुनावों बाद भी शिवपाल यादव का बयान सामने आया कि हमें तो एक ही सीट मिली, तैयारी तो हमारी और पुख्ता थी, यही हार की वजह है। शिवपाल यादव तो चाचा है ना, मान मनोबल के बाद आए थे ना सर। एक आदमी खींच निकालने के लिए आरोप लगाएगा, एक आदमी अपनी जिम्मेदारी से हटने के लिए आरोप लगाएगा। जितने सगे संबंधी हैं, गुलदस्ते के जितने फूल हैं, गठबंधन के जितने छोटे दल हैं, सब आरोप लगाएं, तभी आंख नहीं खुलेगी। देखिए बड़प्पन इसी में है कि हार को विनम्रता से स्वीकार किया जाए, ना कि आरोप प्रत्यारोप से उससे कुछ होने वाला है। मुझे लगता है हार से सबक लें और आगे की तैयारी करें और आगे बढ़ें। देखिए डॉक्टर मसूद अहमद से हम लोगों ने राजनीति सीखी है, मैंने व्यक्तिगत तौर पे, मैं कह रहा हूं कि मैंने व्यक्तिगत तौर पे मैंने डॉक्टर मसूद अहमद से राजनीति सीखी है, और उसके बाद अगर डॉक्टर साहब के आज ये आरोप लग रहे हैं तो मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं आहत हूं। मैं पार्टी की तरफ से ये बिल्कुल साफ कहता हूं कि डॉक्टर साहब के हाथ में कमान थी, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके हाथ में कमान थी, उनकी जिम्मेदारी थी चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की। अगर आज वो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं तो ये पूरी तरीके से अनाग्रल है, ये उनको पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर पहले ही इस तरीके की बातें उठानी चाहिए। राजनीति अगर उनकी सहमति नहीं और उनके आरोप अनर्गल है, दोनों बात जमती नहीं है सर। बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही था, लेकिन वास्तविकता यही है कि अखिलेश यादव से तमाम जो उनके वो छोटे दल है ना, जिनका गुलदस्ता बनाने की वो बात कर रहे थे और जिनके बल पर जीतने की बात कर रहे थे, वो सभी रुष्ट नजर आ रहे हैं, सभी नाराज नजर आ रहे हैं, कोई मुखर तौर पर, कोई चुपचाप और कोई खामोशी के साथ अपना दर्द तो बयां कर ही रहा है, आरोप लगा ही रहा है। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए जी हिंदुस्तान।